सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 साइंस, हम एसिड बेसिल सॉल्ट वाले चैप्टर की बात कर रहे थे और कल हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी कि एसिड और बेस अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। इसमें हमने बात करी थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोनेट से अगर एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वगैरह बनाता है और बेसिस के साथ ही वो रिएक्शन नहीं देता। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करें, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस बेसिस विथ ईच अदर। अभी तक हमने एसिड और बेस की रिएक्शन फर्दर बहुत सारे हमने अब तक एसिड और बेस की रिएक्शन अलग अलग चीजों से कर रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कर पा रहे हैं, मतलब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। कि एसिड और बेस अगर अपने आप में दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो सीधी सी बात है, अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और H2O यानी कि हम बोल सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ एसिड। हम बात करते हैं एसिड के लिए हमने क्या ले लिया, HCl, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस के लिए हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने NaOH, मतलब सोडियम क्लोराइड। हमने दोनों जगह क्या कर लिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा NaCl+ का होता है Cl- का Na+ OH-। आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के होता है कि HCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो H+Cl- ब्रेक होता है, Na+ को ब्रेक डाउन करते हैं तो Na+ NaOH को ब्रेक करते हैं तो Na+OH- में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये Na और ये Cl की अपना है NaCl, क्योंकि अपने आप में क्या होता है, सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है OH, और ये हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, और साथ में ये H और ये OH भी क्या बना लेंगे, H2O वाटर का मॉलिक्यूल। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस किस में रिएक्ट करते हैं वो अलग बात है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी, लेकिन एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते तो क्या होता है, हम देख लें यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद ईच अदर। एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन करते तो क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉल्ट और H2O वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। हमने एसिड पर यहाँ पर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और बेस में स्ट्रॉन्ग बेस में लिया NaOH को बोलते सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि जब डिसोसिएशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, आप डिकम्पोजिशन को जानते हैं क्या होता है, जब कोई चीज ब्रेकडाउन होती है वो अपने आप में क्या डिकम्पोजिशन होता है। तो HCl और NaOH में क्या होगा, HCl में HCl होगा तो H+ और Cl- में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, NaOH में Na+ और OH- में ब्रेकडाउन होगा। ये Na और इसका Cl NaCl उनके सॉल्ट बनाए यानी सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। हमने जो नमक खाकर बना क्या होता है NaCl का बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, इसके बारे में पहले पता चुका हूँ आपको मैं। और ये वाला एच डी वाला ओ एच क्या बनाते हैं, H2O वाटर बनाते हैं, उनके हमारा बता था कि ऐसे ग्रुप में आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बन गया। आपको ये चीज़ें नहीं करना, एरो वेरो नहीं बनाना, एग्जाम में सिर्फ आपको नॉर्मल करना है स्टेप से कि HCl जो होगा NaOH से रिएक्ट करेगा और क्या होगा यहाँ पे NaCl और H2O का फॉर्मेशन करेगा, और इसके बाद उनके नीचे नाम लिखना आपको, इतना करना आपको से। तो उसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे।
अब यहाँ पर हमने बात की थी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब हम बात करते हैं कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, सॉल्ट तो बन जाता है, लेकिन उस रिएक्शन को क्या कहेंगे जिसमें एसिड और बेस आपस में दोनों रिएक्ट होते हैं। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, उसको आप ए कर लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। व्हेन एन एसिड और बेस, व्हेन एन एसिड और बेस एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म, रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्टेड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके पहले हमने जो रिएक्शन देखी थी वो अपने आप में क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या थी, डेफिनेशन थी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन गिव एग्जाम्पल, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे, उसके पहले जो हमने रिएक्शन लिखी थी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उससे पहले जो रिएक्शन लिखी थी आपको लिखना। क्या बोल रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म, अगर एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसके बारे में पिछली रिएक्शन हम देख चुके हैं, इसका मतलब वो जो रिएक्शन लिखी थी वो अपने आप में क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी। और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर बात समझ में आ गई होगी आपको कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एसिड और बेस जिस प्रोसेस के थ्रू आपस में रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम ध्यान रखेंगे एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव एग्जाम्पल, तो आपको डेफिनेशन लिखना है और उसकी जो रिएक्शन जो लिखी थी हमने अभी HCl NaOH वाली, जिससे NaCl और H2O को बना था, वो आपको बनना है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक बात हो रही है जिसको नोट कर लीजिए आप, इट इन्वॉल्व्स H प्लस एंड OH माइनस आयन टू जनरेट वाटर। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा था कि H प्लस और OH माइनस आयन भी क्या हो रहे थे, जनरेट कर रहे थे वाटर को, मतलब H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर क्या कर रहे थे, वाटर के मॉलिक्यूल को बना रहे थे। कैसे बना रहे थे हम देखते हैं, उससे पर उसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है HCl प्लस NaOH। आपको बता देना कि H प्लस का होता है Cl प्लस का होगा माइनस का, Na प्लस का होता है OH प्लस का होगा, ये H और ये OH जुटे मिलकर क्या बना रहे थे, H2O, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो था Na और Cl मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे थे, NaCl। इस टाइप से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने देख लिया है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अगले टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। टॉपिक की हेडिंग डालिए आप, अब रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटलिक ऑक्साइड होता है क्या, सीधी सी बात है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड।
एक बात ध्यान रखिए कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। वैसे ही अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से तो क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, तो क्या बनाएगी? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जैसे मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, वैसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। इस बात को ध्यान रखें। फिर हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्या देखना है? टॉपिक को फिर से लिख लीजिए आप। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। इसका मतलब क्या है कि मेटलिक ऑक्साइड सीधी सी बात है, मेटल भी ऑक्साइड बनाती है, नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल जो ऑक्साइड बनाती है उसको मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं, नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाती है उसको नॉन मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं। हमारे जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको इरेज करते हैं। हम देखते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं, आपको पता है कि मेटलिक ऑक्साइड जो होंगे क्या बनाते हैं? बेसिक होते हैं। बेसिक तो कौन से होंगे? CaO और साथ में क्या होगा? Ng। बेसिक नेचर के एग्जांपल है मेटलिक ऑक्साइड का। हमारा Ca क्या मेटल है, Mg क्या मेटल है, साथ में ऑक्सीजन। तो नेचर कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो हम देखते हैं एसिड मेटलिक ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करता है। एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड एसिड किससे रिएक्ट करता है? मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ये सॉल्ट प्लस H2O। ये क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो इसमें हम रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। हमने लिया यहाँ पर Sc मेटल ऑक्साइड, हमने लिया CaO, ये लिया CaO। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे बनाएगा CaCl2H2O। तो CaCl2 क्या बनाएगा? सॉल्ट। इसको हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। आई क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। कैल्शियम कितना बने? यहाँ भी कैल्शियम बने। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन बढ़ाना है, यहाँ लगा दो 2। क्लोरीन कितना होगा? 2। हाइड्रोजन कितना होगा? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। ऑक्सीजन 1। ये आपकी इक्वेशन का होगी बैलेंस। आप नाम लिख दीजिए, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्लोरीन लाइन बोलते हैं। ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। आपको एग्जांपल इसको दे दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। हमने मेटलिक ऑक्साइड के एसिड से रिएक्ट करी, अब कराएंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बेस। दोनों जगह से मेटलिक ऑक्साइड की बात करी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड की। यहाँ हमने एसिड की बात करी, हम बात करेंगे बेस। इसको नोट कर लीजिए आप।
रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। अभी क्या देखा था हमने, मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसके हाथ में देखा बेस के साथ। फिर बताओ आपको, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। देख देते यहाँ पर कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर अब यहाँ बात करें तो जो बेस है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, फिर भी क्या बनाता है ये सॉल्ट और H2O। यानी कि कोई एसिड अगर मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट H2O, और अगर कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और H2O बन के, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और यहाँ पर एक बेस ले लेते हैं, हमें बेस लेते हैं C8H2O, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लाइटराइड। साथ में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हम ले लेते हैं CO2, कार्बन अपने यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक बनाएगा, ये तो बनाएगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, और इसको हम मार्कर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाई। कैल्शियम कितना था यहाँ पे, 1, यहाँ भी कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन देखते हैं 2, 2, 4, यहाँ पे देखते हैं 3, 1, 4, हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे देखते हैं 2, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है यहाँ पे 1। इस टाइप से इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। अब अगर मैंने H2O का CO2 बताया था आपको, मैंने कल टेस्टिंग ऑफ CO2 बताया था सेम वाले रिएक्शन में, आप उसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, गेस करते हैं। बात करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। बेसिस और एसिड्स में कॉमन क्या होता है, कॉमन क्यों होते हैं उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जितने बेसिड बात करते हैं ऑल एसिड्स, और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ऑल बेसिस। फर्स्ट पॉइंट, ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस, ऑल बेसिस हैव OH- आयंस। फिर सेकंड, दिस H+ आयंस, दिस H+ आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर
एसिडिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर करते हैं दिस OH माइनस आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। इसको आप नोट कर लीजिए कि समझते इसको क्या है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस इन कॉमन। एसिड जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑल एसिड्स और ऑल बेस कॉमन क्यों होते हैं। तो हमने यहाँ पर दो कॉलम बनाए, ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस के बारे में। अब ऑल एसिड्स की बात करें तो ऑल एसिड्स हैव एच प्लस आयन। एसिड्स में क्या होता है, सभी में एच प्लस आयन होते हैं। एच सी एल में दिखा था एच प्लस आयन, सी एल माइनस आयन। लेकिन बेसिस में क्या होता है, ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयन। तो हमने एसिड और बेस स्टार्ट किया था शुरुआत के लेक्चर में, हमने सारी चीज़ें देखी थी। फिर उसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट में डिस एच प्लस आयन, क्योंकि एच प्लस आयन एसिड की पहचान है। डिस एच प्लस आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी का रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, एच प्लस आयन होता है। उसी टाइप से बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टीज का रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, OH माइनस आयन। तो दिया हुआ है डिस OH माइनस आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टीज। मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज किसी भी बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, OH माइनस आयन। और किसी भी एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी में रेस्पॉन्सिबल जो होता है एच प्लस आयन। तो आज के लेक्चर में एसिड और बेस के कुछ टॉपिक्स की बात करी है। आई होप इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें जो भी डाउट होता है तो आप मुझे बताइए। तो एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।